और अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में आज आपको दिखाएंगे कालाकाट लोकसभा क्षेत्र का इतिहास और सियासी गणित। ...2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र। तब से लेकर अब तक यानी 2009 से 2019 तक काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 रोहतास जिले की और 3 औरंगाबाद की सीटें। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले की काराकाट, टिहरी और नोखा विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जबकि औरंगाबाद का गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र काराकाट संसदीय सीट का हिस्सा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर 18,72,409 है, पुरुष मतदाता 9,74,428 जबकि महिला वोटर 8,97,913 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटर की यदि बात करें तो इनकी संख्या 68 है। सामाजिक समीकरण की यदि बात की जाए तो काराकाट संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट ईबीसी के 30%, ओबीसी के 28%, सामान्य के 18%, मुसलमान 13% और एससी 18% हैं। जातीय वोट बैंक की यदि बात करें तो काराकाट सीट में सबसे ज्यादा कुशवाहा वोटर हैं, उसके बाद यादव जाति का वोट है। वोटों के गुणागणित को ध्यान में रखते हुए दोनों ही गठबंधनों ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। एनडीए से आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा किस्मत आजमा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवारी ठोक कर भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने काराकाट की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।